100 घंटे के अंदर हैदराबाद की सूरत एक बार फिर बिगड़ गई। भारी बारिश से जल प्रलय के हालात बन गए। शहर का बड़ा हिस्सा बरसाती पानी से लबालब भर गया। घरों में बारिश का पानी घुस गया। सड़कें सैलाब में समा गईं। खिलौने की तरह तेज बहाव में कारें बहने लगी। कुछ इलाकों में तो ये समझना मुश्किल हो गया कि शहर में समंदर है या समंदर में शहर। चार दिनों के भीतर दूसरी बार बारिश से बेबस और लाचार हैदराबाद की इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये मंजर इस शहर के स्मार्ट सिटी होने के सारे भ्रम तोड़कर रख देगा। तेज बहाव का अंदाजा लगाइए। ऑटो और कार तिनके की तरह पानी में बहने लगे। पुराने हैदराबाद के गली मोहल्ले बरसाती पानी से भर गए। डरा सहमा इंसान घरों में कैद हो गया। शहर में 150 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। गलियों में 4 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया। सबसे ज्यादा नुकसान पुराने हैदराबाद में हुआ। पुराने हैदराबाद के गोलंका, मुसराम बाग, मलकापेट, मदनापेट, लाल दरवाजा, आलियाबाद, शमशेरगंज, अल जुबैर कॉलोनी, गाजी मिल्लत कॉलोनी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। भारी बारिश के बीच डर के साए में किसी भी तरह से लोगों ने अपनी रात गुजारी और सुबह हुई तो नुकसान का अंदाजा लगा। हर तरफ तबाही ही तबाही। गाड़ियों का हाल देखिए। स्कॉर्पियो, ऑटो, कार, दो पहिया वाहन सब बर्बाद हालत में मिले। घरों में बरसात का पानी घुस गया। सड़कों पर मलबा ही मलबा था। जो लोग निचले तल्ले पर रहते थे उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अरे ये तो बहुत नुकसानदेह पानी है, बहुत हालत खराब है। आज तक संवाददाता आशीष पांडे ने बाबा नगर इलाके में तबाही को कैमरे में रिकॉर्ड किया। लोगों ने बताया कि बारिश के बाद बालापुर इलाके में एक बड़े तालाब में कटाव के वजह से अचानक पानी शहर में घुस आया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। आपका घर यहाँ पे कितना पानी था? कल कमरे तक था, पूरा अंदर और यहाँ तक पूरा पानी। रात में 1:30-2 बजे के टाइम पे जो है पूरा पानी यहाँ पर, होमनी ऑटो पूरा पानी भरे हुआ था। और मेरे घर में जैसे पूरा पानी भरा हुआ है, अभी 3 कमरों में पानी भरा हुआ है। यहाँ से 1 किलोमीटर है, आधा किलोमीटर है। हैदराबाद शहर के बीचों बीच मूसी नदी बहती है। ये नदी पुराने शहर और नए शहर को बांटती है। एक हफ्ते में दूसरी बार मूसलाधार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि सुबह प्रशासन को रास्ता बंद करना पड़ा। इलाके में बद इंतजामी से लोग परेशान हैं। ये वजह है कि टीआरएस के कॉरपोरेटर के पहुंचने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और नेताजी को बैरंग लौटना पड़ा। कांग्रेस ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा और आरोप लगाए कि संकट की हालत में सीएम साहब गायब हैं, प्रशासन सो रहा है। चीफ मिनिस्टर मिस्टर कल्वकुंट्ल चंद्रशेखर राव इज अ कर्स टू पीपल ऑफ तेलंगाना। नोवेयर इन द कंट्री आई गेस इफ दिस काइंड ऑफ फ्लड्स दैट हैव अकर्ड इन द पार्ट्स ऑफ तेलंगाना एंड पर्टिकुलरली इन द ग्रेटर हैदराबाद व्हेन पीपल आर सफरिंग एंड लैक्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड इज इनंडेटेड एंड एंटायर ग्रेटर हैदराबाद इज इनंडेटेड अंडर वाटर। This man sits in a so-called his fort called Pragati Bhavan and does not come out and interact with the people, understand the problems of the people. What a pathetic chief minister is he? वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के सांसद अजदुद्दीन ओवैसी भी इलाके में डटे दिखे। ओवैसी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि बाढ़ में अकेले फंसे एक बुजुर्ग को अपनी निगरानी में सुरक्षित निकाला। राज्य सरकार के मुताबिक भारी बारिश के डबल अटैक से अब तक 50 लोगों की जान चली गई और शुरुआती अनुमानों के मुताबिक लगभग 9000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अभी इलाके में और बारिश हो सकती है। हैदराबाद में बुधवार तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिजली गिरने और गरज के साथ आंधी तूफान आने की भी संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य इलाके में बने गहरे दबाव को इतनी भारी बारिश का जिम्मेदार बताया जा रहा है। यानी अभी सावधान रहने की जरूरत है। इलाके में अक्टूबर में ऐसी बारिश पहले कभी नहीं देखी गई। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में 4 दिनों में
324.55 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। सामान्यतः इतनी बारिश इस इलाके में एक महीने की बारिश के बराबर है। ऐसे मौसम के बदलते मिजाज से सावधान रहना ही ठीक होगा। हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।